दोस्तों किसी भी टीम का प्रमुख व्यक्ति उस टीम का लीडर होता है, उस टीम का कप्तान होता है। क्या होगा अगर उस टीम का कप्तान उस टीम से बाहर हो जाए, तो ऐसे में उस टीम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक उसी तरह भारतीय टीम का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल भारतीय टीम के खिलाड़ी श्रीलंका दौरे के बाद भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को बड़ा झटका लगा है। वो T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान है। छोटे प्रारूपों में जो सूर्य कुमार यादव का दबदबा है वो टेस्ट और वनडे में नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले सूर्या के पास खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका था, लेकिन अब ये हाथ से निकल गया है क्योंकि स्काई इंजरी के चलते दिलीप ट्रॉफी के पहले मैच से बाहर हो गए हैं। दिलीप ट्रॉफी का आयोजन 5 सितंबर से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के कई बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं। सूर्या भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा थे। भारतीय प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके टेस्ट सीरीज के लिए अपनी दावेदारी पेश करना चाहेंगे। BCCI जल्द ही भारत और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान करेगी। उससे पहले नए चेहरों को एक बेहतरीन मौका है जो इस दिलीप ट्रॉफी के जरिए अपनी दावेदारी पेश करे और वह भारतीय नेशनल टीम में अपनी जगह बना सके। इसी बीच सूर्य कुमार यादव पहले दिलीप ट्रॉफी के मैच से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने हाल में ही बुच्ची बाबू टूर्नामेंट खेला था जहां पे वो हाथ की चोट के शिकार हो गए। इंजरी के चलते स्काई पहले मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। अब वो NCA में जाएंगे और अपनी चोट के सही होने का इंतजार करेंगे। सूर्य कुमार यादव को T20 का किंग कहे तो गलत नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में सूर्या ने एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियों को इस फॉर्मेट में हासिल किया है, जिसे हासिल करने के लिए बड़े बड़े बल्लेबाज मशक्कत करते नजर आए थे। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले टेस्ट क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर की है। टीम इंडिया के लिए उन्होंने अभी तक एक ही टेस्ट मैच खेला है जिसमें वह कुछ खास नहीं कर सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि चोट से वापसी के बाद स्काई कैसा प्रदर्शन करते हैं। बाकी दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सूर्य कुमार यादव जल्द से जल्द ठीक हो और अपनी टीम में अपना 100% दे और पहले की तरह T20 में अपना दबदबा कायम रखे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।